राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन पेश किया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी का दर्जा देने के बाद लावारिस छोड़ दिया गया है। मुरादाबाद विकास के नाम पर शून्य है। मांग उठाई गई कि मुरादाबाद महानगर को वास्तविक स्मार्ट सिटी बनाए जाने के लिए एवं 28 सितंबर को निकलने वाले ईद मिलादुन्नबी के रिवायती जुलूस के रास्तों में साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था के बंदोबस्त। आज एक हमारा प्रतिनिधिमंडल जो है डीएम साहब से मिला, अनवार मलिक के नेतृत्व में, जो प्रदेश सचिव हमारे अबरा भाई और सचिव मलिक हाजी गल्लू साथ मिला है। आज हमारा उनको ज्ञापन देने का मकसद है, जो स्मार्ट सिटी बनाई गई है मुरादाबाद, उस स्मार्ट सिटी में मुरादाबाद को बिल्कुल लावारिस छोड़ रखा है। हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, उस पर हमने मांग की है कि हमारे मुरादाबाद को भी स्मार्ट सिटी बनाया जाए, ताकि जो मुरादाबाद पुराना है उसमें भी लोग बार अपने सुकून से रह सके। यहाँ के मुरादाबाद की सड़कें, गलियाँ, नालियाँ, सिवर लाइन सब अधूरी पड़ी हैं। उसके साथ हमने एक ईद उल मिलादुन्नबी का जो हमारा जुलूस निकलना है उसके संबंध में भी हमने सुरक्षा की मांग की है और सफाई व्यवस्था की भी मांग की है कि हमारे जुलूस जो निकलेगा उसमें सफाई व्यवस्था रहे और सुरक्षा के अच्छे बंदोबस्त रहने चाहिए। और ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व महानगर अध्यक्ष सैयद राशिद अली ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश उपाध्यक्ष अनवार मलिक, जकी मलिक और हाजी कल्लू मौजूद थे।